नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं ढिगावा से शक्ति सिंह रांगी जी। और शक्ति सिंह रांगी जी से बातचीत बहुत दिलचस्प होने वाली है दोस्तों। सारे काम छोड़ के सिर्फ यही सुनना, जिंदगी के ऐसे अनुभव मिलेंगे आप याद रखेंगे। 1996 में और 2000 में दो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाले और अलग अलग गेम में पार्टिसिपेट करने वाले इकलौते इंसान हैं भारत के शक्ति सिंह रांगी जी। अमेरिका में रहे हैं, अमेरिका की टॉप 5 जो यूनिवर्सिटी हैं उनमें इनका बेटा पढ़ा है। छठी नौकरी इन्होंने ज्वाइन की और अब ये जिस पद पर पहुंचे हैं वो भी हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए एक वरदान साबित होगी दोस्तों। साई में चीफ कोच ये अपॉइंट हुए हैं। और शक्ति सिंह रांगी जी की बहुत दिलचस्प कहानी है और मेरा इसलिए भी इनसे एक बहुत प्यार भरा नाता है कि राई स्पोर्ट्स स्कूल में ये डिप्टी डायरेक्टर भी रहे हैं। तो रांगी साहब आपका स्वागत है। थैंक यू भाई। सबसे पहले तो रांगी साहब मुझे बताओ, ढिगावा में भिवानी रहा हूँ बहुत साल तो एक टिब्बो में एक छोटा सा कस्बा है ढिगावा, और वहां पे शक्ति सिंह जी का जन्म हुआ, और ओलंपिक तक कैसे आप पहुंचे ये एक बड़ी आपका मतलब वहां पे स्पोर्ट्स का तो कोई उस समय तो कुछ रहा ही नहीं होगा तो, और दो गेम में आप शॉर्ट पुट में और डिस्कस थ्रो में और दोनों में ओलंपिक पार्टिसिपेट किया आपने, एक बार शॉर्ट पुट में एक बार डिस्कस। तो मुझे आपकी ये स्पोर्ट्समैन के रूप में जो यात्रा है ये शुरुआत से बता दो आप। धर्मेंद्र भाई, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मेरा नाम शक्ति सिंह क्यों पड़ा जी। देखो मैं वहीं से चलता हूं, आपने ढिगावा का नाम ले दिया जी। जी मेरी दादी और मेरी माँ, मेरी दादी तो चली गई जी, तो वो बताती थी मेरे को, मेरी दादी और मेरी माँ, कि मैं बहुत सख्त पैदा हुआ। अच्छा। मेरे को मतलब 3 दिन में मैं पैदा हुआ। टाइम लगा आपको दुनिया में आने में? हाँ, दुनिया में आने में तो 3 दिन में। उस दौर में ऐसा था कि मतलब हॉस्पिटल नहीं थे, कोई बसों की व्यवस्था भी नहीं थी, तो मतलब सारा परिवार परेशान कि भाई मतलब दाई इधर से लाओ इधर से लाओ। हाँ भाई होगा। फाइनली मतलब ये हुआ कि भाई एक बस आती थी लुहारू से, भाई भिवानी जाना है, और वो मतलब चारपाई पर मेरी माँ को लेकर, और उसमें उस अड्डे के ऊपर उस टाइम पर एक मतलब जो है ना ये छान छून होती थी अपने, तो वहां पर जब मेरी माँ को रखा तो वो जब मेरा चाचा एक जो है वो दाई को ले आया जी। जब वो ले आया उस टाइम पर मैं हो गया, बोला भी लड़का हो गया, तो मेरा ताऊ ने बोला बहुत सख्त होया, इसका तो नाम शक्त सिंह रखते हैं तो शक्त सिंह नाम रखा। तो जब मैं प्राइमरी स्कूल में 5th क्लास में था जी। तो हमारे एक हिंदी के मास्टर थे, वो ने बोला शक्त सिंह तो कोई नाम है, नाम नहीं है, नाम नहीं है, बोला शक्ति सिंह तो नाम है, तो उसने मेरा नाम शक्ति सिंह रख दिया। तो वहां से तो मेरे जन्म की कहानी है। और जिस दिन मेरा नाम लिखाया स्कूल में जी, फर्स्ट डे, वो सीन मुझे यूं का यूं याद है कि हमारे गांव के दो टीचर एक साइड में आ रहे हैं, मेरे फादर के पास आते हैं वो और बोलते हैं बुला जी लड़का बड़ा होगा इसका नाम लिखा दो। तो मेरा नाम बुला भी, चल तेरा नाम लिखाएंगे तुम जा नहा ले। तो मैं दौड़ा हुआ मतलब जो है वो राजी हो रहे थे, राजी हो रहा है, वो गांव में घर था उस टाइम पर। मेरी दादी कन गए, दादी आज मेरा नाम लिखाएंगे तो मैं नहा दे। तो मेरी दादी ने नहा दिया, स्कूल में चले गए, मेरे फादर मास्टर जी उधर बैठ के नाम लिखा दिया। तो मेरे फादर जब निकलने लगे तो मैं भी उनके साथ, तो हमारे गांव के एक मास्टर जी थे तो वहां वो बोले भाई रुक जा, उसने मुझे एक पतासा दिया, वो पहलवान बोलते थे मेरे को। अच्छा। बोला पहलवान ये पतासा खा, वो पतासा इतना मतलब कद काठी आपकी ठीक थी बचपन से, इतना बड़ा भाई, उसका स्वाद मेरे को अभी भी याद है। वो मैंने खाया तो वो बोला वहां बैठ जा, छुट्टी होगी जब एक और दूंगा। उस लालच में स्कूल में जाना शुरू कर दिया और पढ़ाई का सफर शुरू हो गया। तो ये गेम से कैसे आपका? गेम से ऐसे हुआ कि मेरा जो दादा था वो 1919 में उसको जंगी इनाम मिला। अच्छा। और वो जंगी इनाम जो है उसकी सर्टिफिकेट मेरे पास अभी मेरे मोबाइल में है, मैं आपको दिखा। जंगी इनाम, जंगी इनाम। अच्छा। तो वो मेरा ताऊ एक बार मतलब अपनी वो संदूक वगैरह देख रहा था, तो फौज में थे वो? मेरे दादा फौज में था, राज राइफल में था उस टाइम, उसको ओट्रम राइफल बोलते थे। अच्छा। तो वो जो मैंने देखा तो मेरे को बड़ा अंदर से गर्व महसूस हुआ कि भाई एक जंगी इनाम, लड़ाई की बहादुरी का इनाम था। तो वो सर्टिफिकेट मैंने लिया और उसका लेमिनेशन कराया, वो ओरिजिनल भी मेरे पास है और उसके मैंने सबको दे भी दिया परिवार में। तो फिर मैंने उसकी कहानी पूछी कि भाई जंगी इनाम की क्या कहानी है। तो मेरी दादी ने बताई, मेरे ताऊ भी बताता है कि भाई ये जो है जब तेरा दादा पेंशन आने लगा, जब 1919 की जब लड़ाई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो उसमें वो मतलब लड़ाई में था, तो उसने वहां पर कोई बहादुरी के कारनामे करे तो उनको ये, तो उनको ये अवार्ड मिला। तो उस जब पेंशन आने लगा तो वो उस दौर की जो इंग्लिश गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा कि या तो 3,000 बीघे जमीन ले ले। अच्छा। या 3,000 रुपए चांदी वाले ले ले, या 3 पीढ़ी जंगी इनाम ले ले। अच्छा।
तीन तो पीढ़ी, तीन पीढ़ी तो मेरा कथन है अभी पैसे 3,000 रुपए तो वैसे खत्म हो जाएंगे और जमीन की वैल्यू नहीं थी, वैसे ही बहुत थी भाई, वैसे गांव का नंबरदार था, जमीन तो वैसे ही बात होती, तो उसका माल नहीं पटा करता, माल छोड़ छोड़ भागा करते लोग, वो हमारे बास गांव पड़ता है तो वहां भाग जाते थे, भाग जाएगा भाई भाई अंग्रेजी, और आपका तो वो नवाब का इलाका था, नवाब का एरिया था, तो उसके हद से पार होते ही फिर वो पकड़ते नहीं, छोड़ दिया करते, तो जमीन की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं, तो उसने क्या काम करा, जंगी नाम ले लिया, तो जंगी नाम तीन पीढ़ी तक मिलता रहा। अच्छा, इसकी कहानी का असली पता मुझे लगा जब मेरे बेटे की यूएस में ग्रेजुएशन सेरेमनी थी, तो मैं अपने एक दोस्त के घर गया हुआ था, पार्टी रखी थी उसने। अच्छा, उस टाइम पर जनरल सुहाग जो है उसके घर आए हुए थे, तो वो मेरे दोस्त से परिचय कराया, ये शक्ति सिंह ओलंपियन अर्जुन अवार्डी है, तो बोला मैं इसके नाम से परिचित हूँ। अच्छा, तो वो मेरे वैसे ही ध्यान में आ गया, मुझे जनरल साहब ये एक सर्टिफिकेट है, उन्होंने देखा अरे ये तो बहादुरी का बड़ा ही नाम है। फिर वो मेरे फादर से मिले, उसको हम करे बोले तो बहुत बहादुर आदमी का बेटा है, बोले ये बहुत कम लोगों को मिला हुआ है, तो फिर मेरे को और थोड़ा सा ये लगा कि ये तो बड़ी बहुत मतलब प्राउड की बात है, प्राउड की बात है, और उस दौर की मिली हुई चीजों को मतलब आजादी के बाद में उस चीज को ज्यादा पब्लिश कौन करेगा, क्योंकि एजुकेशन पता ही नहीं है, एजुकेशन मैंने खुद ने, मैं सैन्य इतिहास में बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, लेकिन मैंने खुद आज पहली बार, और मैं उस सर्टिफिकेट दिखाऊंगा, अब मैं जरूर उसकी कहानी बता दूंगा, सर्टिफिकेट बताऊंगा। तो वो मतलब जब एक प्राउड की बात थी, अब एक स्टोरी जो स्पोर्ट्स की शुरू होती है, वो एक हमारे घर में हॉकी थी। अच्छा, तो मेरी दादी बताती है कि ये हॉकी जो है तेरा दादा खेला करता, अब मेरे फादर और ये सारे बताते थे कि भाई वो अंग्रेजों के टाइम में हिंदुस्तान की हॉकी जो हॉकी टीम में उसका टीम का मेंबर था। अच्छा, इंग्लैंड वगैरह खेलने जाता था। अच्छा, एक उसके टाइम का एक गोला रखा हुआ था, तो मेरे को इन चीजों से बड़ा प्यार था कि भाई मेरे बुजुर्ग की कोई निशानी हो तो मैं उससे, मेरे को अंदर से ही मतलब खुशी होती थी, गोला उठा के देखता, बच्चे थे थोड़ा सा फेंक दिया, हॉकी को भी देख लिया, लेकिन खेल का माहौल जानते नहीं थे, खेल करें कैसे सुन। तो वो वहां से एक रुझान हो गया। अच्छा, तो स्कूल में जाते थे, वॉलीबॉल खेलना, कभी कबड्डी खेलना, विशेष खिलाड़ी वाला सिस्टम नहीं था। तो फिर बाद में मैं 1980 के अंदर मैंने ITBP ज्वाइन कर लिया। अच्छा, ITBP में गेम के बेस पे नहीं गया है, ना ना, मैं तो गया था जनरल भर्ती में। अच्छा, और जनरल भर्ती में मेरे को मतलब जैसे वहां जब टेस्ट हुए तो मैं सारे गेम में फर्स्ट आया। वो अब था ही आपका फिजिक तो था ही, फिजिकल एक्टिविटी तो थी, पर उस फिजिकल एक्टिविटी की बात ये थी कि जब हमारा परिवार अभी बड़े लंबे टाइम तक इकट्ठा रहा, तो गांव में घर था, तो मेरी माँ दूध निकालती थी, तो वो बड़े गिलास नहीं होते जिनके, गड्डी वाले जी, तो मेरा क्या था खाने पीने की मतलब चोरी लगा लो चाहे इसको, तो सारे बच्चे चाहे हम चाचे तवा के 8-15-10 बच्चे थे, तो मैं अकेला ऐसा प्राणी था कि जब खेल रहे होते तो मुझे ऐसा एहसास होता कि अब दूध करने का टाइम हो गया, मैं दौड़ के आता तो दूध पी के पार हो जाते, मेरी माँ दूध निकालती होती या मेरी दूसरी ताई निकालती होती, तो मैं वो मेरी माँ निकाल रही थी तो रोड़ा नहीं था, मैं वह दूध निकालते नीचे लगा दिया करता, ऐसे कुछ भर दिया करती पूरा, मैं पिया करता गर्मा गर्म, बड़ा स्वाद लगा करता मीठा, और फिर आधा कोर पेट भर गया, बताते हैं उसकी झाग में भी ताकत होती है, मुझे रह जाती थी। अब मैं जब जाता था तो बोला वो हो दूध पिया है, तो 3-4 बंदे और दौड़ते थे, उनको नहीं मिलता था। तो फिजिक ठीक थी, तो वहां जब मतलब दौड़ हुई, हाई जंप हुआ या जो भी मतलब जो एक्टिविटी थी, वो मैं सारी एक्टिविटी में फर्स्ट आया, मेरे को भर्ती कर लिया। अब ट्रेनिंग सेंटर में चला गया कुल्लू। अच्छा, जब कुल्लू गया तो पहाड़ देखे, सेब मुख यार, जो सेब सिर में लग रहे, बगीचे थे सेब के, जन्नत में आ गए। वहां एक मेरे को एक कड़े डिगावा कड़े सेब के सेव, मतलब सिर में लगे, सेव सिर में लगे, और जांडी लाए सिर में, जांडी ने खोखे मिले, सांगर मिलेंगे। तो भाई जी फिर मतलब वहां पर पहुंच गए, वहां पहुंचने के बाद जब ट्रेनिंग पूरी हुई हमारी जी, तो मैं ट्रेनिंग में बेस्ट स्टूडेंट आया फिजिकल के अंदर सारे सिस्टम में, तो हमारे डिपार्टमेंट के गेम हुए ट्रेनिंग सेंटर के। अच्छा, तो उसमें मैं 7 गेम के अंदर फर्स्ट आया, बस शुरू हो गया आपका सेकंड लाइफ। हां, सेकंड लाइफ, वो मतलब फिजिकल और एक्टिविटी होगी एक साथ में, वहां पर जूडो का, कराटे का, रिवर क्रॉसिंग, और मतलब जो है इतनी डिफिकल्ट ट्रेनिंग थी, 52 हफ्ते की ट्रेनिंग। ITBP की पहले बहुत सख्त ट्रेनिंग हुआ, मैं उस बैच का स्टार्ट 80 वाले बैच में था जब ये स्थापना हुई थी, बहुत बहुत ही ज्यादा टफ ट्रेनिंग। अच्छा, मेरी डाइट क्या थी, मैं गुड़ और घी खाता था, वहां पर विटा घी मिलता था 1 किलो का डिब्बा, वो लिया 1 हफ्ते में, गुड़ और घी, गुड़ और घी।
अच्छा वो सर्दी का टाइम था, गुड़ तो मतलब जो है ना ठीक था और घी पे नड़ता नहीं था, तो उसकी वो चम्मच से मतलब एक चम्मच उसकी ले ली, एक डली गुड़ की खा ली, और मैं घी अभी भी खाता हूँ। अच्छा, और मेरा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड सब ठीक है, फिट है, वेरी मच ओके, मतलब 150 तक का कोलेस्ट्रॉल। पर आप एक्सरसाइज भी तो करते हो? हाँ, 2 घंटे करता हूँ डेली कंटिन्यू, कोरोना में भी करते रहे, तो घी खाने वाली एक्टिविटी तो रही रही। जो मैं 7 गेम में फर्स्ट आया, मेरे को 7 शीशे मिले, वो मुंह देखने वाले शीशे नहीं, पहले वो बंद हो जाते तेरे खुद हाँ तो वहां से तो एक कमांडेंट होता था साउथ इंडियन, तो उसने मेरे को स्पोर्ट्स बेस पर भी रख लिया। अच्छा, ट्रेनिंग सेंटर में हम 250 स्टूडेंट, बाकी पास आउट हो गए आप वहीं रख लिए, 250 बंदे थे उसमें पास आउट तो सारे ही हो गए, तो मुझे ट्रेनिंग सेंटर में एज ए स्पोर्ट्स पर्सन रख लिया कि भाई आउटस्टैंडिंग बंदा। एक बंदा रखा फिल्म चलाने वाला, अच्छा वो मतलब फिल्म चला लेता था, 2 बंदे रख दिए। तो फिर जब कंपटीशन शुरू हुए तो मैं ITBP में, मैं कभी डिस्कस फेंकूँ, कभी मैं हैमर फेंकूँ, कभी मैं गोला फेंकूँ, कभी मैं दौड़ लगाऊँ, तो मैं हैमर फेंकने लगा, हैमर में अच्छा फेंकता था। अच्छा, तो मेरे इस हाथ में यहाँ पर पेन हो गया, और पेन ऐसा हो गया धर्मेंद्र भाई कि मैं उसमें 1 साल तक मेरा हाथ ये हड्डी के अंदर ये ऐसे भी नहीं होता था। अच्छा, तो मतलब वो टेक्निक गलत रही होगी, नहीं, नहीं पता ही नहीं था ना, लेकिन उसको घुमा के जब मैं फेंकता उसमें क्या बोले 3-4 हैमर कर ले लो, वो जैसे बेल सी बन रही हो, बेल सी बन रही होती। अच्छा, और 3-4 हैमर घुमा दिए, बच्चा तो था 18 साल का, पता था नहीं, पता था नहीं कोई, तो ये हड्डी मतलब ट्विस्ट होती रही तो पेन हो गया। तो मैं 1 साल तक परेशान रहा, फिर मैंने दौड़ शुरू कर दी। अच्छा, तो मैं टाइम देख के चलता था ऐसे, मेरे साथ मेरे पास एक हेनरी सेंडो घड़ी होती थी उस दौर में, मैं उसमें टाइम देख के यार ये मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड है, 1 मिनट से पहले 400 मीटर पूरी। कभी मैं ट्रिपल जंप करता था, लॉन्ग जंप करता था। अच्छा, लॉन्ग जंप करता था तो मेरे दोनों पैरों का जंप बराबर होता था। अच्छा, जैसे मान लो 20 फुट के आसपास में लेफ्ट से भी करूँ, 20 फुट के आसपास में राइट से भी करूँ। फिर एक बंदा आया, बोला तो ट्रिपल जंप करते रहे, सारे दोनों पैर बराबर है, मैं ट्रिपल जंप करने लगा। तो वहां पर एक दिन क्या हुआ, बारिश हो रही और वो पहाड़ी एरिया तो है ही है, तो एक पत्थर था, मैंने ट्रिपल जंप करके जब मैं लैंडिंग हुई तो मेरा गोड्डा जो है अंदर की साइड से पत्थर पर लग गया और बहुत बड़ा दर्द हुआ इसमें, लिंब को भाई हाथ भी गया, पैर भी गया, लिंब भी गया, दौड़ भी गई। उसके बाद फिर क्या कहानी हुई, मैं इन दोनों का ट्रीटमेंट कराता रहा, फिर मेरे को यार अब क्या करूं, तो एक फौजी डॉक्टर था, नर्स था कोई, हेड कांस्टेबल था वो आर्मी का, तो आर्मी वाले ITBP में लग जाते थे उस दौर में, तो वो आया तो मैं मतलब दौड़ रहा, वो बोला अरे तुम बड़ा अच्छा खेलता था, परेशान सा रहता है, मुझे मेरे यहाँ दर्द है। उसने मुझे यहाँ एक इंजेक्शन लगाया। अच्छा, और बोला इसको छेड़े मत। मैंने इसको ऐसे रखा एक हफ्ता और भाई मैंने इसकी एक्सरसाइज करी, जब मेरे दर्द नहीं हुआ, मुझे दर्द नहीं हुआ, ठीक हुआ काम। तो फिर मैं अब मुझे वो घुमाने वाला तो मैं छोड़ दिया, वो तो उससे तो गड़बड़ होगी। फिर मैं डिस्कस फेंकने लगा, इसमें सीधा पकड़ना और सीधा फेंकना, ये ट्विस्ट नहीं होता था, ये यूं पकड़ के और सीधा फेंक दे। ओके, तो मैं उसको फेंकने लगा। अच्छा, मैं फेंकता क्या था उसको, मैं जो वहां फर्स्ट आते थे ना उससे ज्यादा मैं खड़ा खड़ा फेंकने लगा, घूमने का मुझे पता नहीं था। अच्छा, 34 मीटर लगाने के बाद में तो मेरा ऑल इंडिया पुलिस गेम्स के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया। वहां मुझे एक सरदार जी मिला, जसवंत सिंह, अमृतसर का था, वो खिलाड़ी था, वो जानता था इन चीजों को। और हमारा जो कैंप था वो पुलिस गेम्स होने थे त्रिवेंद्रम जी, 81 की बात है, 81-82, तो त्रिवेंद्रम जाना और कैंप लग गया देहरादून, तो वो मुझे सिखाने लगे, मेरी उम्र का एक, मेरे से थोड़ा सा बड़ा था, 5-6 साल। रास्ते तो भगवान देता है ना, हाँ। तो हम प्रैक्टिस करें पूरी पूरी, मतलब जो है ना शाम हो जाए, डिस्कस दिखाई देने से रह जाए जब तक प्रैक्टिस करें, और हम जो है शहर में जाके जूते ले आए थ्रो के, वो मुझे सिखाने लग गया। एक किताब मिल गई हमारे को, अच्छा, उस दौर के ओलंपिक चैंपियन मार्क विल्कन की, अच्छा, डिस्कस थ्रो में, मार्क विल्कन एक डिस्कस थ्रोवर था अमेरिकन। अच्छा, तो ये जो मेरे को बुक पढ़ने का शौक रहा शुरू से, मैं अभी बुक पढ़ता हूँ, मेरे पास आप कभी आएंगे दिखाऊंगा, मेरे पास 40-50 बुक है, अभी भी मेरे बैग में 2 रखी हैं, पढ़ लेते हो उनको, मैं पढ़ता हूँ, मेरे को इनका शौक है, मतलब वो ऐसी चीजें सीखने को मिलती है कि जिस आदमी ने पूरा जीवन लगा के किताब लिख दी कुछ तो लिखा होगा उसने, ठीक बात, तो वो एक अलग बात हो गई। तो वहाँ क्या हुआ कि जब देहरादून में हम जब ट्रेनिंग करने लगे, मेरे को थोड़ा सा आइडिया आ गया, तो ऑल इंडिया पुलिस गेम से त्रिवेंद्रम,
हम त्रिवेंद्रम चले गए, वहाँ बड़े बड़े खिलाड़ी जो इंडिया के उस टाइम पर, कौन साल की बात है ये, है 81-82 की। अच्छा, मैं 83 में जम में था। तो वहां पर वो मैं उनके साथ दौड़ू तो मैं उनसे तेज दौड़ू, उनमें जैसे मतलब पुराने नामी खिलाड़ी पंजाब के सारे तो मैं उनसे आगे निकल जाऊँ दौड़ने, तुम कह रहे दौड़ में तो उनसे आगे निकल गया। अब वो कंपटीशन शुरू हुआ तो वो फेंके 49 मीटर, 48 मीटर, जैसे लगा आप 36 पे थे, जैसे आसमान में चली गई, 34 मीटर फेंक रखे। तो भाई मेरे को बड़ा लगा, मुझे यार बंदे तो तगड़े तो बहुत है, लेकिन मेरे अंदर हौसला था भाई, मैंने वहां फेंका, मैं हो गया वहां 8वें नंबर पर। अच्छा, और मैंने 34-84 फेंकी, 34-84 फेंक के मैं 8वें नंबर पर आ गया जी। तो उनमें से एक बंदा था वो ने बोला 8th इज द प्लेस, तू 8वें नंबर पर आया, ये पोजीशन है बहुत बढ़िया, और तू तो बहुत बढ़िया बन जाएगा। मैंने मुझे मेरे को कुछ एक्सरसाइज बता, उस बंदे ने सहज स्वभाव से मेरे को नहीं बता दी, जैसे मेरे से कोई पूछे बिगिनर बच्चा मैं भी बता दूं उसको, मेरे वो समझ में आई बात, मैं करता रहा। अगली जो पुलिस गेम्स हुई उसमें सेकंड आ गया। अच्छा, इतना मतलब सुधर गया। हाँ, मैं तो लगा रहा है ना पूरी साल, मैं तो मतलब पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, मेरे ध्यान में सिर्फ ये थी वो मतलब उसमें घोड़े का नहीं लगा देते ना, वो दिखता ही नहीं उसको इधर, हम अपना काम कर रहे थे। मेरा काम तो मतलब लाइफ का रहा ही ऐसा नहीं, सिर्फ एक सूत्रीय कार्यक्रम, मुझे कोई कहे कि ये काम तेरे को आता है, नहीं आता है, हाँ ये काम आता है पूरा, और इस काम को इतना आता है धर्मेंद्र भाई, देखो खेलना आता है, खेलना आता है, और खेलने में भी उसकी मतलब जैसे मास्टरी नहीं होती, मास्टरी है भाई। अच्छा, आपको उस किताब ने भी बहुत मदद की होगी। किताब ने इतनी मदद करी कि वो जो किताब में जो चित्र थे, क्योंकि तब गूगल गूगल तो थे ही नहीं, वही गूगल था, और उस किताब में करीब करीब उसके 100 पिक्चर थी स्टार्टिंग से लेके, उसने बंदे ने समझा रखा था कैसे, मतलब बिल्कुल हर स्टेप, और मैं जब जो है ना उसके हर स्टेप को फॉलो करता था कि यहाँ स्टार्टिंग इसने ये ऐसे कर दिया, इसका ये पैर यहाँ है, ये हाथ यहाँ है, ये नजर यहाँ है, ऐसे करके फाइनल तक चले गए। और उसकी जो टेक्निक थी उसकी झलक मेरी टेक्निक में आती थी, मतलब कहते थे लोग, हाँ, जब मैं पीक पर था, वो खुद बंदा मुझे मिला यूएस में। अच्छा, यूएस में वो मुझे मिला बंदा, मैं उसको पूरी स्टोरी बताई, मैं तेरी किताब देख के मैंने सीखी है। हाँ, तो मेरी जो वीडियो देखी होगी उसने कभी, मैं तो बोला तेरी जो टेक्निक की झलक थी वो मुझे लगता था मेरी है, उसमें आती थी भाई, एक हो जाता है ना कॉपी करता है बंदा, एक नकलची टाइप का आदमी होता है। मेरी की आदत ये थी कि जो टेक्निक की मैं कॉपी बड़ी जल्दी करता था, मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं। बाद में बहुत से कोच आए रशियन जर्मन मेरे जो स्पोर्ट्स लाइफ में, तो वो मेरे को एक बात बताते थे मेरे को समझ में आ जाती थी, और मेरे साथी खिलाड़ी को हो सकता है 2 महीने तक बताएं समझ में ना आए। तो ये एक थोड़ी सी दिमाग की जुगाड़ होता है हरियाणा में आदमी ना, नहीं जुगाड़ समझ जाते तेज होती है पकड़ हरियाणा के, वो थोड़ा सा ये होता है कि हाँ यार ये चीज बताए। कई एक आदमी है ना, एक आदमी 5-6 भाषाएं जानता है, एक फौजी था जब पूना गया था एक बार ट्रेनिंग करने के लिए, 5-6 महीने पूना रहे हम, तो एक राजस्थान का था अपने झुंझुनू के साइड पे, वो 15 भाषाएं जानता था, और मैं बोलता था मुझे वहाँ की बोल के देगा क्या पता भाई तू तो गलत बोलता हो, लेकिन वो जो जिन स्टेटों के साउथ के बंदे वो समझते थे, मैं उनको ये तो तराली बोल लगा बताइए ठीक पकड़ रहा था ना, पकड़ थी उसको, मैं तो उसका फैन हो गया, मुझे यार तेरे दिमाग में कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। तो थोड़ी सी होती है कहीं की मतलब नकल अडॉप्ट करने, अपने हिंदुस्तान में तो अपने तो हम तो जुगाड़ी हैं। सेकंड आने के बाद फिर आपका मतलब ओलंपिक की तरफ रुझान बना होगा। जब मैं सेकंड आ गया जालंधर में, सेकंड भी कैसे आया मैं धर्मेंद्र भाई, फर्स्ट वाला बंदा बिल्कुल क्लियर था, सेकंड वाले मैं और सेकंड दोनों बराबर। अच्छा, और सेकंड बेस्ट थ्रो मेरी उससे आगे, तो मैं सेकंड हो गया, वो थर्ड हो गया, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर। सेकंड जो पहले 6 अटेम्प्ट होते हैं इसमें, तो 2 अटेम्प्ट मेरे आगे थे, उसका एक मेरे बराबर था, एक मेरा उससे अटेम्प्ट ज्यादा होगा, तो मैं सेकंड होगा। उसके बाद फिर मेरा सफर शुरू होगा, मैं ऑल इंडिया स्पोर्ट्स का सफर, स्पोर्ट्स का ऑल इंडिया पुलिस गेम्स के अंदर मैं मेडलिस्ट हो गया, आईटीबीपी में मेरी बड़ी बल्ले बल्ले होगी, बोला इसको लेंस नायक बना दो, सिपाही से ऊपर कर दो, ये कर दो। फिर मेरे को और दूसरे डिपार्टमेंट पूछने लगे हम तेरे को ले लेंगे, उसको ले। मेरी बड़ी इच्छा थी हरियाणा पुलिस में आने की। अच्छा, क्योंकि मैं पुलिस की नौकरी आईटीबीपी में कर ही रहा था, ऑल इंडिया पुलिस में जाता था, यार ये पुलिस में ये है वो है, वो यार कहाँ आईटीबीपी में पहाड़ों में रहेंगे, है तो वो भी पुलिस ही। हाँ, हाँ, लेकिन अपने उसमें आए हरियाणा पुलिस में एक लखीराम जी होते थे आईपीएस लखीराम पुनिया, मैं वहाँ आया तो मेरे को उन्होंने बता बुलाया भाई हाँ आ जाओ, कितनी हाइट है जी, मैं वो जी 6 फुट मेरी थी उस टाइम पर 6.5, बाद में मेरी जो ग्रोइंग मतलब जवान हो रहा था ना, मेरी 6.5 तक बेस्ट रही। अच्छा, अब थोड़ी सोच कर कम होगी तो
बोला ठीक है, उसने अपने को बोला इसकी नाप तोल करो और इसको करेंगे बोलती है तो अच्छा लगता है। अब उस बंदे ने मेरी हाइट नापी नहीं, वैसे ही लिख दी, वो ऐसा ही होता है 5'11" ये वो फिट हो गया। अब फाइनल उसके पास आया तो देखा तुमने, बोला तू 6 बता रहा था 5'11" बोला शुरू में झूठ बोल रहा है, बागड़ी बगाड़ी फाइनल। भाई मैं भी तो मतलब थोड़ा सा मतलब उसी हिसाब में था, बोल जी मेरी 5'11" नहीं मेरी 5'15" है या 6'15" है, बोले 5'11" लिख रखी मेरी गलत लिख रखी है, मैंने तो आपको 6 बताई, मैं तो 1.5 इंच कम बताई है, वो फाइल बगाई ना तुमको भाई मतलब क्या करेगा, मतलब तो आपको चोट सी लगी, चोट नहीं बहुत ज्यादा। वो अपने ऑफिस से मंगाया उसने, मैं खड़ा 2 किलो जा लगे काम। तो उसने भाई उस बंदे को फिर ठंडा कर दिया जिसने 11 लिखा था। तो वो मेरे को उसमें कॉन्फिडेंस मेरा ज्यादा हो गया कि भाई बंदा तो ठीक बोल रहा है। तो वहां फिर मैं 3 साल हरियाणा पुलिस में रहा, ट्रेनिंग करी, दोबारा ट्रेनिंग करी, 52 हफ्ते की ट्रेनिंग वहां करके आया था। फिर हरियाणा पुलिस की, हरियाणा पुलिस की मधुबन करी, ऐसे लेके जब तक पूरी ट्रेनिंग करी, पूरी ट्रेनिंग करी और पूरी ट्रेनिंग करते करते पुलिस गेम्स आ गया। उसमें मैं पुलिस गेम में 4th हो गया क्योंकि मैं तो पूरी साल ट्रेनिंग में था, जबकि वो पीकिंग का टाइम होता है। अब पता है लगता है ना कि भाई आप एक लाइन पर लग गए और उसकी लाइन को बिल्कुल छोड़ा आपने, दूसरी लाइन में लग गए और उस लाइन में जब ट्रेनिंग पूरी हुई तो कांस्टेबल भर्ती हो गया। हाँ कांस्टेबल। तो थोड़े से टाइम के बाद फिर आप आपको 2 महीने मिले, 2 महीने में आप फिर आर्मी पुलिस। तो ओलंपिक, ओलंपिक आपका तब भी कोई सपना नहीं था? ओलंपिक वाली बात तो जानते नहीं थे ना कि ओलंपिक क्या होता है। उस टाइम तक तो ये था कि भाई मतलब हरियाणा में आ गया, अब यहाँ खींच देंगे काम, बना लेंगे काम यहाँ। तो वहां पर फिर मैं 3 साल रहा, ऑल इंडिया पुलिस में 4th आया। तो फिर CISF के अंदर एक कोर्स था, वो बोला मैं तेरे को यहाँ भर्ती करा दूंगा CISF में, तू यहाँ आ गया। अच्छा। मैं वहां गया तो वहां पर मेरे को गेम बेस पर बोला हेड कांस्टेबल ले लेंगे। अच्छा ठीक है जी ले लो। वहाँ सिपाही था, यहाँ दौलदार बन रहा है। मैं वहाँ रिजाइन दिया, CISF में ज्वाइन कर लिया। CISF में फिर मैं 2-3 महीने रहा। अच्छा ज्यादा नहीं रहे भाई। मैंने 2-3 महीने 6 महीने रहा हूँ, मतलब मजा नहीं आया, थोड़ा टाइम रहा। मुझे नहीं यार ये तो मतलब जो है ना ये मजेदार स्टोरी नहीं रही इसकी। तो फिर मैं उसको छोड़ दिया, छोड़ के और फिर मैं दोबारा मेरे को नुबले भी तो छोड़ तो दिया, तो क्या चाहिए तेरे को। मुझे भाई मेरे को ऐसा ही भर्ती करो। अच्छा हेड कांस्टेबल क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है। मेरे को फिर उन्होंने ज्वाइन दोबारा करा दिया CISF में। मैं ऐसा ही भर्ती हो गया। अब मेरे को भी थोड़ा सा लगा मैं खानदार भर्ती हो गया, मेरे थोड़ा सा स्टार लग रहा है, एक स्टार यहाँ पे। मैं भर्ती हुआ 86 में, 87 के अंदर अब मेरे को पूरा साल मिल गया ना एक जी। अब वो पूरे साल में मेरी जो प्रैक्टिस थी वो दिल्ली हुई। अच्छा ऑल नेशनल इंटरस्टेट होनी थी। तो मैं दिल्ली के अंदर फर्स्ट आ गया, सोटपुट और डिस्कस दिल्ली स्टेट में दोनों गेम। और दिल्ली स्टेट से मेरा सिलेक्शन हो गया इंटरस्टेट के लिए। इंटरस्टेट नेशनल मीट होती है और वहां मैं डेकेथलीन करता था दिल्ली में। अच्छा क्योंकि मेरे सारे इवेंट अच्छे थे तो वहां पर डेकेथलीन की एंट्री नहीं थी इंटरस्टेट में। अच्छा तो उन्होंने बोला तेरी शॉर्ट पुट और डिस्कस में कर देते हैं एंट्री। वहां का जो सेक्रेटरी था वो मेरा अच्छा मित्र था तो वहां पर मेरी एंट्री कर दी शॉर्ट पुट डिस्कस की, बोला डेकेथलीन दूसरी मीट में कर लेंगे। तो वहां क्या सूट बैठ गया, डिस्कस का इवेंट हुआ, मेरी पहली थ्रो 49 मीटर से ऊपर, 49.08 मीटर तो फेंकता था मैं। और भाई वहां मतलब मेरे को ऐसे मतलब फील अच्छा हुई टेक्निक, मैं तो थ्रो करी, मैं हैरान हो गया, मुझे यार ये कहां जाके रुके, कहां जाके रुकी, मजा आ गया। वहां पर मैं 3rd हो गया नेशनल में। अच्छा नेशनल में 3rd होते ही भाई मेरे तो हौसले हो गए। 3rd होने के बाद में फिर मैं नेहरू स्टेडियम में लगातार वहीं प्रैक्टिस करता रहा शॉर्ट पुट की, ना डिस्कस की करने लगा। वो शॉर्ट पुट तो कहानी बात में। अच्छा तो मैं डिस्कस की वहां ट्रेनिंग करूं और एक उस टाइम पर फेडरेशन ने एक बनाया था कि इंडिया के पहले 12 आदमी जो है वो नेशनल कैंप में लेंगे, एक प्लान है कि भाई अच्छे खिलाड़ी सारे 12 के 12 लेंगे। तो टॉप 12 में मेरा 11वां नंबर आ गया। उस मीट में कोई देश के काफी खिलाड़ी गए नहीं थे। अच्छा नेशनल में जाते हैं, इंटरस्टेट वो मीट थोड़ी सी बोधी मीट हो जाए।
तो उसमें मेरा थर्ड नंबर आ गया, मैं तो नेशनल मेडलिस्ट हो गया थर्ड नंबर से, और ओवरऑल रैंकिंग जो पूरी साल की थी उसमें मेरा 11वां नंबर आ गया आपका, मेरा सूत बैठ गया नेशनल कैंप का पटियाला का, जहां आप फिर पहुंचे हो जिंदगी के इतने साल। मैं पटियाला में पहुंचा, उसके बाद मैंने पटियाला नहीं छोड़ा। अच्छा, और वहां पर मैं पटियाला पहुंचते ही मेरे दिमाग में ये बात आई, मो भाई यहाँ तो सुबह का ब्रेकफास्ट लंच डिनर पूरी सुविधा सारी अच्छी, मतलब बेड सीटें, नहाना फुहारे के नीचे, मतलब मेरी फीलिंग्स बता रहा हूँ मैं दिल से, बड़ा मजा आया। अब 6 महीने हमारे को हो गए। अच्छा, मैं थोड़ा सा मतलब पीने में, मतलब खाने में घी का बताया, मेरे को बड़ा शौक रहा है। अच्छा, तो मैं ये पीता था इसको, मेरे को अभी भी मैं पी लेता हूँ घी, पी लेता हूँ, मेरे को मतलब मजा आता है। अच्छा, कितना घी पी लिया उस टाइम पर? मैं पीता था जैसे मान लो 1 गिलास पी लेता, पहिया मतलब हो गया, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट से पहले। तो यू नहीं कि पी के मेरे को डका रहा हूँ या फिर उल्टी हो या ऐसे, मतलब जितना मजा आ रहा है उतना पी, मेरे को मतलब उसमें थोड़ा सा निवाया करके ना, और उसके स्वाद का मजा आता था। अभी भी मैं ज्यादा नहीं लेता, मतलब जैसे चूरमा सा बनाया उसमें थोड़ा सा ज्यादा चूरमा नहीं होता, उसका मतलब एक मजा सा आता है कि हाँ ठीक हो गया था, ज्यादा तो नहीं 100 ग्राम लगा ले, 150 ग्राम डेली लेता हूँ गाय, लेकिन अब गाय का कर दिया सर। अच्छा, तो 6 महीने के बाद ट्रायल हुए भाई, सेफ गेम होने थे 87 के अंदर, कलकत्ता हुए थे, कलकत्ता में। अब ट्रायल हुए, ट्रायल में सेकंड हो गया, नहीं फर्स्ट हो गया, फर्स्ट हो गया ट्रायल में, 50 मीटर से ऊपर लगा दी, और जितने बड़े धुरंधर थे 11-12 आदमी हम ट्रायल के अंदर, वो मेरे से पीछे, मैं आ गया फर्स्ट, एक आ गया सेकंड, हम चल, मेरा सिलेक्शन हो गया सेफ गेम के लिए, सेफ गेम इंटरनेशनल कंपटीशन पहला, मजा आ गया। कलकत्ता जाना, यहाँ से फेडरेशन ने बोल दिया सभी जैसे मतलब ट्रेन जाओ, वहाँ जाके रिजर्वेशन थी, 5-स्टार होटल में पहुंचे, तो 5-स्टार होटल में तुम्हारे कपड़े कुपड़े बैग बाग देखे तो मतलब गरीब से ला गया आदमी, 5-स्टार होटल में मतलब एक आदमी इस तरह कपड़े पहन गया तो गरीब सा फील करता है, लेकिन होटल में पहुंच गए, वहाँ एक कमरे में रुके, लाइटें लूटें चुली आ गए, तो एक मिश्रा मिश्रा भी LIC के अंदर काफ़ी सीनियर पोस्ट पर है, मेरा मित्र है, हम दोनों इकट्ठे थे, तो उस टाइम पर हम जो है चिकन वगैरह खा लेते थे जी, तो हम जाकर नहा धो के मिश्रा जी आओ चले नीचे, मिश्रा जी हम चले गए नीचे, तो वहाँ ऐसे खिलाड़ियों के लिए तो सेफ गेम, तो ये अपने सेफ कंट्रीज के सारे, तो उन्होंने भाई ढेर ला रखे ऐसे, तो हमने वो क्या कराया, लेग पीस 8-8, 10-10 खा लिए और बाकी राशन पानी खा लिया, वो मतलब जो है क्या होते हैं फूड पॉइजन हो गए। अच्छा, हमारा मेरा जो कंपटीशन से पहले मैं करीब करीब कोई 30 बार बाथरूम में गया, और पता था नहीं कि भाई मतलब कैसे ठीक हूँ, कैसे ठीक हूँ, घुटने तो भाई जवाब देगे, जवाब देगे। वहां कंपटीशन होया तो मेरी पहली थ्रो लगी 49, मतलब 50 से नीचे, जस्ट 50 के आसपास, जो मेरे साथ जो सेकंड बंदा था उसने 51 लगा के वो फर्स्ट हो गया, सही गेम में मैं सेकंड हो गया। अच्छा, और मेरे को पता लगा कि मैं तो सरेआम फर्स्ट था, मैं तो बहुत ज्यादा मारता ना थ्रो, लेकिन वो मेरी जो अंदर की कहानी थी तो मैं जानता था, और मेरा दोस्त था वो चिकन सेध रहा था, चिकन नहीं, वो मतलब पता नहीं किस किस्म का था, वो मतलब फूड पॉइजन हो गया, जबकि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं था ना किसी चीज का, जानते ही नहीं थे, 5-स्टार होटल में पहली बार गई, चौंधी आ गया, अरे कहाँ गए, और ये खाना फ्रेश लगता था, ये नहीं पता कि ये खाने की चीज नहीं होती ज्यादा। तो वहां से मैं सेकंड हुआ, सेकंड होते ही CISR में उसी टाइम सब इंस्पेक्टर बना दिया दूसरे साल, फिर नेशनल कैंप में आ गए। 87 में फिर हुआ ये नेशनल गेम्स पुणे। अच्छा, वहां मैं इंडिया का बेस्ट एथलीट हो गया, मैंने शॉट पुट और डिस्कस दोनों में फर्स्ट हो गया। अच्छा, और दोनों का मैंने रिकॉर्ड कर दिया, मैं नेशनल लेवल का खिलाड़ी हो गया। फिर 89 के अंदर एशियन चैंपियनशिप हुई दिल्ली, दिल्ली में, यहाँ मैं थर्ड हो गया एशिया में, और मैंने नेशनल रिकॉर्ड बना दिया पुणे, इसमें त्रिवेंद्रम मद्रास, चेन्नई मद्रास होता था, चेन्नई हो गया, चेन्नई के अंदर नेशनल रिकॉर्ड कर दिया। और नेशनल रिकॉर्ड होने के बाद में फिर वो एक उन प्लेयरों की गिनती में आ गया जो प्लेयर अच्छे होते थे, मतलब देश के टॉप प्लेयर, देश के टॉप के प्लेयर। उसके बाद धर्मेंद्र भाई 87 to 2005 मैं कंटिन्यू चैंपियन रहा। अच्छा, नेशनल चैंपियन 15 बार मैंने मेरा नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया, शॉर्ट पुट और डिस्कस का मिला के। अच्छा, 15 बार, और कई बार तो एक कंपटीशन तो ऐसा था मांडिया के अंदर, 98 की बात है ये,
कि मैंने डिस्कस और शॉट पुट के दोनों के रिकॉर्ड एक वार्म अप में किए थे, एक बार वार्म अप हो लिया, डिस्कस के 3 थ्रो लगाए, नेशनल रिकॉर्ड कर दिया, शॉर्ट पुट के सर्कल में पहुंच गया, वहां शॉर्ट पुट फेंका, वहां नेशनल रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन मेहनत ज्यादा करी, अब स्पेसिफिक मेहनत जो इंटेलिजेंट प्रैक्टिस जो होती है ना वो नहीं थी। अच्छा, प्रैक्टिस ये थी कि भाई 20 टन वेट कर लिया, मतलब थकता नहीं था मेरी कभी भी, मतलब शरीर में थकान ये नहीं हुई। मुझे चाह चढ़ जाता था सुबह, जब तक मैंने स्पोर्ट्स कराया कि सुबह मुझे चाह चढ़ जाता था कि यार चल ग्राउंड में, चल ग्राउंड। एक कहानी इसकी मैं बताऊं आपको, चल ग्राउंड में। जब मैं नेशनल कैंप में गया तो जब ये मेरा एक साथी था सुरजीत सिंह, हाँ जी, पंजाब का था, वो यूपी का था, पंजाब का जी, तो चैंपियन एथलीट था। अब मैं सोचा कि इस बंदे से फर्स्ट जब आ सकता है जब इससे ज्यादा प्रैक्टिस करे, तो मैंने वो शाम के मई जून का महीना पटियाला में उस टाइम गर्मी टॉप की होती है, तो हमारा प्रैक्टिस का टाइम 5 बजे, तो मैंने शुरू कर दिया 4:30 बजे जाना। तो 4:30 बजे जब जाना शुरू किया तो वो उसने बेरा लग गया, आधा घंटा पहले चला गया, वो 4:30 आया, दूसरे दिन में 4 चला गया। ऐसे करते करते ब्रेकफास्ट करते ही मैं ग्राउंड में चला गया, 4:30 से लेके और 9 बज गए, 9 बजे तक, मतलब मैं आधा आधा घंटा पीछे चलता रहा, वो भी आता रहा मेरे पीछे। तो एक आदमी वो भी सही था, वो फिर मेरा एक साथी था जयवीर, जेवलिन थ्रो करता है भिवानी का ही अपने, जयवीर सिंह तनवर, बड़ा अच्छा मित्र है वो। उसको बोला कि यार ये कहाँ से ले आया एक पागल आदमी, बोला मरेगा मेरे को मारेगा, बोला भाई एक काम है तू इससे पीछा छुड़ा ले, ये तो करेगा, मैं मेरी चारपाई वहां डालूंगा, तेरे को मना रहना है। फिर कहानी क्या हुई, वो मेरे पास आया, बोला भाई तू क्या चाहता है, मुझे भाई मैं ये चाहता हूँ कि तेरे से ज्यादा प्रैक्टिस करो, बोला कितनी, मुझे चाहे 4 थ्रो फालतू दो तेरे से ज्यादा करो। मैं बोला भाई तू पहले चला जाए अगर, और ऐसे मत कर, मर जाएगा गर्मी में, मुझे मैं गर्मी मरता नहीं, मैं तो गर्मी में मेरा तो मत, मैं जहाँ पैदा हुआ वो मेरा दूसरा है, जब मैं तब पे थे। तो वो फिर मतलब जो है ना हमारा समझौता हो गया, तो मैं उससे आधा घंटा पहले, मतलब मेरी जो प्रैक्टिस की जितना भी सिस्टम रहा वो मेरे साथी खिलाड़ियों से मैंने प्रैक्टिस ज्यादा करी, लेकिन वो गलत थी। अच्छा। मैं हमेशा ओवरलोडेड खिलाड़ी रहा, मैंने बॉडी को रेस्ट नहीं दिया, नहीं बॉडी को रेस्ट नहीं दिया, क्योंकि शरीर के अंदर जेनेटिक ऐसा था कि वो, जैसे पेरेंट्स की कहानी सुनाऊंगा वहां से पता लगता है कि मेरी माँ कैसी, मेरा बापू कैसा, वो प्राणी ऐसे थे कि मैं तो उनसे कम था। मेरी माँ की जो रोटी होती थी ना, और वो मतलब गंडा से कहा मेरी माँ, उसने खोल के क्या करती, मेरे ताऊ क्या करता, तुम कैब रोटी ले आए, हो नहीं सकता है कितना घास उठाया उसके इतना के लिए, और जो घड़ा इतना बड़ा वो मून टाइप की नहीं होती है, वो मेरी माँ उठाती थी घर में, और मेरी चाची ताई के बस की बात नहीं थी। तो मेरी माँ का देखियो पटियाला, 90 साल की होगी, मेरी माँ का ये कौन सा इतना चौड़ा है, मेरे इतने बड़े हाथ हैं, पूरी शरीर में तंदुरुस्ती है, कुदरत की कृपा है। तो वहां से जेनेटिक का पता लगता है ना, तो थकान का तो मतलब नहीं, जहां पर आपको खाना पीना अच्छा मिल रहा है, वो ट्रैक सूट मिल रहे हैं अभी, मतलब आपकी माँ है, हाँ हाँ मेरी माँ है, सौभाग्यशाली आदमी है। मैं मेरी माँ के हाथ की रोटी खाता हूँ अभी भी, बच्चे जो बनाते हैं तो वो मतलब एक टेस्ट मेमोरी मान बोलता भी हूँ, ऐसा कोई है जो 60 साल रोटी बना लेती है अभी, क्या बात करे, आज धर्मेंद्र, एक बार पूछो धर्मेंद्र जी आपको पता लगेगा। अच्छा, तो मुगमा है कोई बंदा ऐसा जो 60 साल का हो और अपनी माँ के हाथ की रोटी खा रहा हो, मजा आता है, एक एक तो वहां से सफर शुरू हुआ। अब फिर मेरे को, मैं इंस्पेक्टर बन गया, असिस्टेंट कमांडेंट बन गया, फिर मैं सीआई सब छोड़ दी, फिर मैं हरियाणा में डिप्टी डायरेक्टर लगा राय स्पोर्ट्स को, राय वाली भी छोड़ दी, फिर मैं सीटीआई लगा नई दिल्ली, मैं यहाँ पर नई दिल्ली में मैंने इंचार्ज रहा, मैं फिर मैं असिस्टेंट स्पोर्ट्स अफसर बन गया, अब मैं सीनियर स्पोर्ट्स अफसर हूँ जी, अब मैं रिटायर हो रहा हूँ 31 तारीख को, और 1 तारीख को मैं साई के अंदर चीफ कोच हो जाएंगे। तो ये सफर ऐसे रहा ओलंपिक का, ओलंपिक के अंदर भी रहेगी कहानी, आप भूल गए, डाइवर्ट हो गए आप, जो आपने 2000 सिडनी ओलंपिक, सिडनी 96 सिडनी, और 2000 का पहला था ना आपका, 96 का पहला, तो 96 का आपने शॉर्ट पुट में किया, नहीं डिस्कस थ्रो, डिस्कस थ्रो में, वहां कितना फेंका आपने, वहां मैंने मेरी लाइफ की बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी ओलंपिक में। अच्छा, मैंने फेंका था 56.84 मीटर, और कितना रैंक था आपका, मेरा रैंक तो मतलब वहां पर जो है पीछे था। अच्छा, मैं फाइनल में नहीं था। अच्छा, मतलब और दोनों ओलंपिक जो मैं खेला हूँ ना, हाँ, इनमें मैंने जस्ट पार्टिसिपेट किया है। अच्छा, और जो दूसरा था उसमें, वो शॉर्ट पुट, वो सिडनी में था, इसमें था अपना सिडनी में, पहला अटलांटा में, फिर सिडनी में, मतलब दो ओलंपियन खेलने वाले अलग अलग गेम के पहले खिलाड़ी हो गए, दो गेम खेलने वाले अलग अलग।
और दो गेम के अंदर वैसे तो कई बंदे ऐसे हैं जो दो गेम करते थे नेशनल लेवल तक, अच्छा, लेकिन ओलंपिक ओलंपिक में कोई नहीं खेला, ओलंपिक में कोई थ्रोवर जो है वो दो गेम में नहीं खेला कि भाई ये इस गेम में भी खेल लिया उसमें खेल लिया, बड़ा रेयर होता है ओलंपिक तक जाना दो इवेंट के अंदर पैरेलल चलना, बड़ी बात है और वो भी क्वालिफाई करके। जी अगर आप ओलंपिक लेवल का क्वालिफाई दो इवेंट में करते हो, ठीक है ना, दो इवेंट में करते हो, अब ये चीजें समझ में आ रही हैं कि अगर आप दो इवेंट में एक इस लेवल के कंपटीशन को क्वालिफाई करते हैं आपके अंदर कितनी एनर्जी है, उस एनर्जी को अगर आप बिल्कुल टाइम से एक में लगाते और वो परफेक्ट टाइम पर, भाई मेरी एज तो मतलब जो है अभी मैं देख लो कितना होगा सिडनी में, मैं कितना होगा 2000 में, अब मैं 60 का हूँ, इतनी 42 साल का आदमी ओलंपिक में खेलता है, मैंने नहीं पता, एक चाइनीज मेरा इंटरव्यू लेने लगा ये सिडनी के अंदर, अब लेट गए एक्चुअली, बहुत लेट गया ना, भाई पता ही नहीं था ना खेल का, तो सिडनी में इंटरव्यू लेने गया तो अपना एक प्रेस रिपोर्टर था, उन्होंने बोला ये चाइनीज है इसको बताना मत, वो मेरे से पूछ रहा था सत्य जी आप इतने साल की उम्र में अपने आप को कैसे मेंटेन कर रहे हैं, इतने लेवल की परफॉर्मेंस आप वर्ल्ड लेवल की परफॉर्मेंस आप दे रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, वो नुबला चाइनीज है मत बोलिए हिंदी जानता है ये, फिर नुबला तेरे को क्या दिक्कत है, मैं इससे पूछ रहा हूँ मैं चाहे चाइनीज हो, वो ऐसे था जैसे अपने आसाम मुस्लिम के नहीं होते हैं, वो बेचारा अपने ज्ञान ले रहा था, स्पोर्ट्समैन की तो कोई नहीं, वो प्रेस रिपोर्टर था, हर आदमी पूछता है ना, और वो हिंदी बात कर रहा है तो मुझे यार, लेकिन वो अपनी वो अपने उसने मजाक किया था, फिर मैं भी उसके साथ मजाक कर दिया, मैं फिर बताऊंगा। चलो फिर अब आप जीवन का दूसरा पड़ाव आपका है एनआईएस कोच, ये सेकंड इनिंग बोल सकते हैं आप अब इसको? इसकी ये सेकंड इनिंग है और साई में चीफ कोच के रूप में, लेकिन मैं इसके बीच में एक बहुत दिलचस्प पहलू शायद छूट गया हमारा, अब अमेरिका कैसे जाना हुआ, आप अमेरिका के सिटीजन हैं आप अभी, तो अमेरिका वाली क्या कहानी है? धर्मेंद्र भाई अमेरिका की कहानी भी बड़ी मजेदार है, तो अमेरिका की कहानी ऐसी है कि मेरा एक दोस्त अमेरिका में पहुंच गया, उसने मुझे फोन करके बताया जब मेरी कभी बात होती, इकबाल सिंह नहीं, इकबाल तो वो तो मेरे वैसे तो बहुत से दोस्त हैं, अच्छा, तो मेरा एक वहां दोस्त कपूर सिंह पहुंच गया, अपने सोनीपत के थे, वो एथलीट थे, मेरे साथ ही रहे, अच्छा, मेरे साथ सीआईएसएफ में मिले, कस्टम में थे पहले, तो जब वहां पहुंच गए तो उसने मुझे बताया कि भाई वर्ल्ड की जो टॉप 10 के किसी भी फील्ड का कोई बंदा हो यूएस गवर्नमेंट उसको ग्रीन कार्ड देती है, अच्छा, और अमेरिका में 93 वर्ल्ड पुलिस गेम्स में गया हुआ था और 96 अटलांटा ओलंपिक में, मैं अमेरिका दो बार उससे पहले जा चुके थे, तो उसने मेरे कागज नेट से निकाल के मेरी तो मतलब सारी हिस्ट्री मतलब जो है इसके ऊपर है अपना, उन्होंने अप्लाई करवा दिया, वो नेट से निकाल के ना अभी भी उसमें क्या बोलते हैं वो अपना विकिपीडिया उसमें सारी चीजें, तो उसने वो निकाल के मेरा अप्लाई कर दिया, मेरा ग्रीन कार्ड अप्रूव हो गया। अच्छा वो घर बैठे बैठे ग्रीन कार्ड बन गया, वो तो वर्ल्ड के टॉप 10 के किसी फील्ड के आदमी को देते हैं अमेरिकन गवर्नमेंट, उस टाइम तो था, अब तो मुझे पता नहीं क्या है, बोले तेरा ग्रीन कार्ड अप्रूव हो गया, चला अमेरिका आ जा, अब मैं बच्चों को लेके अमेरिका चला गया, ऐसे ही जस्ट मतलब ग्रीन कार्ड के उसको, तो जब अमेरिका गया तो भाई इनको बच्चों को अच्छा लगा, तो मेरा लड़का उस टाइम पर 10वीं में था तो 11वीं 12वीं बोले पापा अमेरिका में चलो, अमेरिका करेंगे, चल हम तो ऐसे चल पड़े ना अमेरिका में, हमने क्या पता था अमेरिका में जाके कैसे कैम होता है, तो अमेरिका में जाए गए, वहां पर जब हम पहुंच गए तो मैं 2-3 मेरे दोस्तों के पास गया, तो बड़े अमीर तरह, एक बंदा तो डेमोक्रेटिक पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट है मिशिगन स्टेट में, पर बताते हैं अपने नेताओं की तरह वो हवा में नहीं रहते, वो जमीनी है, वो बहुत अमीर तरह आदमी, उसके 10-12 लिकर स्टोर और बड़ा उसका ताम झाम बहुत बड़ा था, तो वो मेरे बेटे को बोला पापा तो बहुत मामला दूसरे टाइप का है, आप यहाँ पर तो नहीं, दूसरी जगह चलो, एक और जगह गए वहां भी बुलाने, फाइनली मतलब उसने कहा तो मेरे पास आ जा, वो न्यू जर्सी के फिलाडेल्फिया था, तो उसके पास गए तो वहां उसके घर पर जाके हमने घर जैसा महसूस किया, मतलब भाई प्रांतों की खुशबू है और मतलब पंजाबी माहौल, मेरे लड़के को बड़ा पसंद है, बोले पापा आज मजा आया, तो वहां पर इसका मैंने एडमिशन करा दिया जहां उसके बच्चों की स्कूलिंग हुई थी, अच्छा। और उसके बच्चों की स्कूलिंग बहुत आउटस्टैंडिंग थी, फिलाडेल्फिया का वो बहुत अच्छा स्कूल था जिसमें मेरे बेटे का एडमिशन हुआ, और इसका जब ऐसे टेस्ट उस्ट लिया तो वो मतलब कैटेगरी में डालते हैं ए बी सी, जहां कौन सी कैटेगरी में आपको उसको ए में डाल दिया टॉप की कैटेगरी में, तो मैं इसको डॉक्टर बनाना चाह रहा था, अच्छा। मेरी बेटी इंजीनियर है तो मैं सोचा कि ये डॉक्टर बनेगा, ऐसे ही सोचते हैं बंदा, ये पता नहीं कि उसका क्या बनेगा, फायदा क्या है, अच्छा ये बिल्कुल नहीं बनना चाहता था डॉक्टर, तो एडमिशन हुआ तो वो वहां से काउंसलर होती है लेडीज, एक कोई 17-18 साल की अंग्रेज लेडी थी, तो मेरे दोस्त की बेटी थी साथ में, तो एडमिशन वाली प्रक्रिया जब चल रही थी तो आप क्या बनाना चाहते हैं, पेरेंट्स से पूछते हैं,
तो मेरे को डॉक्टर, लड़के का इंटरव्यू लिया मैंने, नहीं डॉक्टर नहीं, ये तो फाइनेंस का बंदा है, ये तो मैथमेटिक्स का बंदा। अच्छा, मतलब वो काउंसलिंग की, काउंसलिंग के अंदर ही मतलब 5-7 क्वेश्चन करेंगे उसी पता लग जाता है कि बंदे में ये कौन सी फील्ड का बंदा है। तो वो बोलती है अंकल ये इनकी जो आइडिया है बड़ा स्ट्रांग होता है, इसको ये जो बोल रही है वही करने दो, और ये क्या चाहता है, वो भी वही चाहता था जो वो लेडी चाहती थी, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, फिर तुम वो उसको कर ले। तो फिर उसका जो स्कूलिंग का जो लेवल था वो बहुत आउटस्टैंडिंग रहा मेरे बेटे का। अच्छा, वो उसका जो GPA 3.9 कंटिन्यू रहा आउट ऑफ 4, इज ब्रिलियंट स्टूडेंट। अच्छा, स्पोर्ट्स के अंदर भी वो यूएस का चैंपियन हो गया। अच्छा, क्या गेम खेलता है? फुटबॉल का। आप पढ़ाई? हाँ, मेरे पढ़ाई। अच्छा, मैं उसके बड़ा खिलाफ रहता था क्योंकि पढ़ाई लिखाई वाला बंदा है, ये शॉट पुट फेंकेगा भटक जाएगा, 50-50 रहेगा, वो एक चीज में फोकस डाल के आगे तक जाए बंदा। और मेरे अंदर से दिली इच्छा थी धर्मेंद्र भाई कि मेरा बेटा वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो, जब अमेरिका है आगे तो मतलब फिर पीछे मुड़ के क्या देखना। तो वहाँ ये हमारी फाइट होती तो वो लड़की कहती अंकल जी आप दो प्राणी हो, बड़े जोर से बोलते हो, आवाज आपकी ऐसी है, क्यों नहीं करते वैसे? मैं तो बेटा ये कहता हूँ भाई मैं भारत सरकार में अफसर हूँ, दिल्ली मेरी बैठने की जगह है, तो मैं यार डंकी डंक पर काम कर रहा हूँ यार, मतलब फिर क्यों, मतलब ये काम खेल वाला तो पटियाला कर लेंगे। हाँ, मैं बड़े ट्रे ठाणी पट रही क्यों, तो काम थोड़ी है मतलब ये, तो मैं इसके लिए कर रहा हूँ ये। तो अब लग कैसे तारी सेटिंग बैठे, वो काउंसलर के पास ले गई, बोले अंकल की और बेटे की इस बात के ऊपर सेटिंग नहीं बैठ रही। बोला क्या चाहते हो मिस्टर सिंह? मैं चाह रहा हूँ मेरे दोस्त के बेटे का एडमिशन हो, है ना, मेरे बेटे का एडमिशन उसी लेवल में की यूनिवर्सिटी में, मतलब मैं उनको जो आईवी लीग का मुझे पता लग गया था उसके थ्रू, आईवी लीग जो होती है वर्ल्ड की टॉप 10 यूनिवर्सिटी यूएस में। अच्छा, मुझे इसमें होना चाहिए। बोला फिर क्या, ये तो हो जाएगा, तो अच्छा बच्चा है, मुझे कैसे हो जाएगा? बोले हर सेकेंड सैटरडे मतलब महीने में दो बार हम टेस्ट लेते हैं जो पढ़ाया है, और उसी के हिसाब से हम उसका GPA टेस्ट सेट करते हैं। बोले आपका मेल दे दो, उसमें मैं भेज दिया करूंगी कि आपके बच्चे की क्या पोजीशन है, अगर इसका रिजल्ट 3.9 से नीचे हो तो इससे पंगे करना आप, नहीं तो नहीं तो इसको छोड़ दे, अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है जो मर्जी करे। मुझे तो भी इच्छा होगा, वो मेल थी नहीं, मेरे उस बेटी ने उसमें वहां मेरी मेल बनाई, उसको दी, बोले अंकल जी ये मेल है, कंप्यूटर में ऐसे है और आपने ऐसे खोलनी है, ये चीज देखनी है। भाई मैं सिर्फ इतना ही सीखा, कंप्यूटर तो था ही, उसका स्कोर चेक करना और बंद कर देना। और वो उसने बताया वैसे ही, अगर उस लेवल पर है तो फिर मैं उसको कुछ चर्चा करता हूं। तो क्या नहीं, एक साल हो गया, मेरे को वो परफेक्ट लगा। एक दिन सैटरडे को रात के 2 बजे उसका फोन आया, मैं डंकी डोनट पर काम कर रहा था, बोला पापा मैं यूएस का चैंपियन हो गया। यार मेरे साथ था, मेरे को विश्वास नहीं होता यूएस का चैंपियन शॉट पुट का कैसे होगा, यहाँ तो बंदे बड़े खाना पीना भी उनका बेसिकली तकड़ा है और वो बड़े तकड़े लड़के हैं भाई, मतलब मेरे को तो विश्वास नहीं होया। अच्छा, वहां जो जॉन गोडिना एक अमेरिकन चैंपियन है शॉट पुट डिस्कस का, वर्ल्ड थ्रोज एकेडमी है उसकी। अच्छा, उसके साथ मैंने वर्ल्ड में कई मतलब कॉम्पिटिशन करे, मेरे बड़ा अच्छा मित्र है, अपने इंडिया में भी आया था। अच्छा, तो मैं उसको एयरपोर्ट पर भी मिला, मैंने उसको ताजमहल गिफ्ट कराया, तो बड़ा खुश हुआ। हमारी एसोसिएशन काफी अच्छी थी, एक दूसरे को मिलते थे कहीं, नाम से बोलते थे, गले मिलते थे, वो मुझे कुछ बताता भी था कि भाई आप ऐसे ट्रेनिंग करो, ये करो, वो करो, लिटिल बिट जो भी होता था। तो उसने वो सिलेक्शन मतलब यूएस के स्कूल से सिलेक्ट करते हैं, वो जैसे आजकल हमारे यहाँ शुरू हो चुके हैं वो प्लान। अच्छा, वो वहां उस टाइम पर थी। तो उसने कहा भाई तुम आर यू जर्मन, तो उसका कलर कुलर देख के ना थोड़ा सा गोरा चिट्टा बंदा भाई ये जर्मनी का होगा, क्योंकि उसके इंडिया का आदमी यूएस का चैंपियन कैसे हो जाए, तो मतलब हो ही नहीं सकता, यहाँ तो अपने तो जाते हैं ना पटाखू टाइप के आदमी। तो उन्होंने बोला ना सर मैं आई एम नॉट जर्मन, आई एम इंडियन। हैरान हुआ, बोले इंडियन, तेरे परिवार में कोई बंदा काम गेम करता है? मेरे पापा ओलंपियन है। कौन? शक्ति सिंह। शक्ति सिंह का लड़का है? हाँ। कहाँ तेरे पापा? बोले यहीं, मेरी बात करा। वो नोबला मैं सुबह तेरे घर आ रहा हूँ तेरे बेटे के साथ। वो सुबह आ गए, मैं भी वही पूछ गया टाइम पर, कॉफी काफी पिलाई उसकी। नोबला अपने बेटे को प्लस टू के बाद मुझे दे दे, मैं इसको ओलंपिक चैंपियन बनाऊंगा, ये नेक्स्ट ओलंपिक चैंपियन है विदाउट एनी हेजिटेशन। इसकी जो स्टैंडिंग थ्रो और घूम के थ्रो में 5 मीटर का फर्क है, ये वर्ल्ड में किसी का नहीं है, इट्स ए वेरी बिग टैलेंटेड बॉय। आप कन्नो हो रही है पढ़ाना है। मैंने मुझे बिल्कुल नहीं भाई। अच्छा, उसको ये पता नहीं था कि इसकी पढ़ाई का लेवल क्या है। मैंने कहा मुझे जॉन इज ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड आई वॉन्ट ही विल स्टडी वे बिग यूनिवर्सिटी। मिला नाम ये मुझे दे दो, पढ़ता ही नहीं, मेरा एक सूत्रीय कार्यक्रम है। फिर मैंने उसको वैसे ही मजाक में बताया, मेरे बेटे को कहा तू समझा दी इसको अगर समझ ना आए तो।
मुझको मैं इसकी ऐसी लड़की से शादी करूंगा जिसके चार बच्चे हों और उनमें अगर हमारे जैसा डीएनए का कोई पैदा हो गया उस पर पूरी फोकस करेंगे, क्योंकि उस टाइम पर हमारे पास सारी चीजें होंगी, पैसा भी होगा, खाने पीने का भी होगा। चलो वो सर मिलने वाला है आपको। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं बात है नहीं, तो लेते उसको दिल की बात जो चलती है धर्मेंद्र भाई, तो वो बड़ा आशा बोले इतने फ्यूचर की बात देखता है, अभी तो तेरे पास ही प्रेजेंट है, वो तीन चार होते तो बात बन जाती, लेकिन मेरी एक ही लड़का है, हर आदमी का ही होता है, मैंने स्पोर्ट्स करा, मैं सारी उम्र स्पोर्ट्स कर रहा हूँ, तो स्पोर्ट्स का अब चेंज हुआ है, उस टाइम पर इतना चेंज था नहीं, अब कोई फ्यूचर नहीं दिखता था, बिल्कुल बिल्कुल। अब ये देख लो ना कि मेरे एशिया, अब तो आप देख रहे हो कि घर घर में मतलब लोग, मेरे एशिया में सबसे ज्यादा मेडल, मैं इंडिया का पहला एथलीट जिसने 60 मीटर का बैरियर क्रॉस कराया, 19 मीटर का बैरियर क्रॉस कराया, 20 मीटर का बैरियर क्रॉस कराया, इवन मैंने 21 मीटर भी एक बार के कंपटीशन में लगाया, सबसे ज्यादा मेडल लेने वाला एशिया का, 15 बार नेशनल रिकॉर्ड किया और सबसे ज्यादा एशिया मेडल और रिकॉर्ड ब्रेकिंग एथलीट, आई एम वेरी सिंपल। लेकिन जिस आदमी ने एक मेडल लिया ही गॉट बिग अवार्ड्स, लेकिन मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि भाई ये चीज होनी चाहिए, तो ये चीजें मैंने देखी फेस करी, और एक सच्चाई से अगर आप चलते हैं तो उस दौर में वो चीजें नहीं थी। अब अर्जुन अवार्ड मुझे कैसे मिला, ये बीच में ये अवार्ड की बात आई जो मुझे ध्यान आ गया, मैंने इसके लिए फॉर्म अप्लाई नहीं किया अर्जुन अवार्ड के लिए। अटलांटा के अंदर एक साउथ इंडियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर होते थे, वो आ गए, तो मैं धनराज पिल्ले और महेश मुक्ति और लेंडर पेस, हम एक बिल्डिंग, लेंडर पेस ने तो उसमें मेडल भी जीता था, हम एक बिल्डिंग में, लेंडर पेस मेरा बड़ा अच्छा दोस्त, महेश मुक्ति भी, धनराज पिल्ले बहुत बढ़िया, अच्छा हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हम नीचे उतर रहे थे, तो नीचे जो है वो महेश मुक्ति और वो दूसरा लेंडर पेस बैठे हुए कॉफी पी रहे थे, बोले आजा मैन कॉफी ले आ, वो हमारे साथ में वो था मैकडोल का, हर गेम हर टीम के साथ में मैकडोल का वो था पूरा, वही आज खाना पीना आपको खा सकते हो, मैस अलग था। अच्छा, तो मैं भी अपने कॉफी लिया पीने लगे, इतनी देर में वो खेल मंत्री आ गए, वो इंडियन पता लग गया, दो चार बंदे और साथ में, धनराज पिल्ले भी आ गए, तो फिर वो मैं तो भाई खिलाड़ी तो परफॉर्मेंस के हिसाब से वो सीनियर, लेकिन मैं भी इंडिया का चैंपियन था, एशिया का मेडलिस्ट था और उम्र में उनसे बड़ा हूँ, तो वो मेरे भाई साहब बोलते थे, मुझे यार मंत्री जी आ गए, धनराज पिल्ले बोले आप बैठो मैं कॉफी और खाने के लिए गया, तो वो नहीं धनराज मैं जाता हूँ तेरे साथ, धनराज की तो भाई स्टार खिलाड़ी, स्टार खिलाड़ी, महेश भुक्ति हो रही है तो वैसे एक वीआईपी स्पोर्ट्स, तो हम सारे उठ के वहां गए, उनको बैठाया, वेलकम करा और उनके लिए स्नैक्स वगैरह कॉफियां वगैरह लिया, तो मंत्री जी ऐसे पूछने लगे, महेश भुक्ति अर्जुन अवार्ड, महेश भुक्ति को मेरे साथ अर्जुन अवार्ड मिला, लेंडर पेस को पहले मिल गया, धनराज पिल्ले को मिल गया, बोला जी ये शक्ति सिंह एशिया का मेडलिस्ट है, नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है, अरे अर्जुन अवार्ड नो सर स्टिल नॉट, अच्छा इतनी परफॉर्मेंस पर, तो बोला सर इतनी परफॉर्मेंस है, इससे नीचे की परफॉर्मेंस पर मिल जाना चाहिए, बोला फिर तो मिल जाएगा इसको, परसों दो दिन बाद मेरी मीटिंग है, अपना नाम लिखाओ, मेरा नाम लिख लिया और वहीं तीसरे दिन मैसेज आ गया कि महेश मुक्ति को और मेरे को अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड विदाउट अ फॉर्म अप्लाई करे। तो कई बंदे ऐसे हैं जिनको पद्मश्री मिल गया एक मेडल के ऊपर, और एक नौ मेडल ले रखे, आठ मेडल ले रखे, उनको को बोला यार लोबिंग नहीं हुई ना, लोबिंग नहीं, लोबिंग का मतलब पॉलिटिकल लोबिंग, क्योंकि एक तो ये होता है ना जो स्टार्टिंग बताया कि भाई ऐसे चलने वाला सीधा अपने रास्ते पर जाना है, रास्ते पर सीधा साधा जीवन था ना, अभी भी वैसे ही है। तो अब जो चेंजिंग है, अब जो चेंजिंग है स्पोर्ट्स फील्ड के अंदर, अब करियर है, आप एशिया के अंदर मेडल ले लो आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं, आपके पास काफी पैसा आ जाएंगे और ऐसे टैलेंट देश में भरे पड़े हैं। सरकार ने, अब भारत सरकार ने जो पॉलिसियां बनाई हैं वो बहुत अच्छी हैं। अच्छा, और इक्विपमेंट वर्ल्ड क्लास, आप आओ पटियाला में दिखाऊंगा आपको, 25-25 लाख रुपए की कुछ मशीनें हैं जो वहां ट्रेनिंग, वर्ल्ड क्लास सुविधाएं, वर्ल्ड क्लास सुविधाएं वर्ल्ड क्लास होगी। तो आपके पास कौन बच्चे पहुंचते हैं जो यहाँ से? वो आते हैं, जैसे खेलो इंडिया एक नई स्कीम आई है, खेलो यूनिवर्सिटी एक नई स्कीम आई है, और फिर ये मतलब जो है ना अपने एसटीसी की स्कीम है, और बहुत सी स्कीमें ऐसी वो है। तो बच्चे आपके पास आते हैं, वो सारे जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनको सिलेक्ट करके अब ये एनसीओई जो बनाई है नेशनल की, जो मतलब बेस्ट स्कीम है। अच्छा, इसके अंदर वो बच्चे आते हैं जो जिनका प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत है, और वहां सरकार अच्छे कोचेज को लगा रही है। तो ये रिजल्ट अभी स्टार्ट हुआ है ना, अभी तो ये रिजल्ट अगले आने वाले देखो चार साल में इतना जल्दी। तो आप प्रशासनिक भी देखोगे या फिर अपना जो गेम वाले बच्चे भी तैयार करोगे? मेरा तो टारगेट सिर्फ ये होगा कि जो अपने बच्चे हैं उनकी स्किल ऐसे डेवलप की जाए कि वो ओलंपिक में मेडल लें। ओलंपिक में
उसके साथ सारी चीजें जुड़ जाती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी जुड़ जाता है आपको, मतलब जैसे मैं चीफ कोच हूँ भाई, इंडिया का अगर आदमी जो चीफ कोच होगा तो वो उसका डायरेक्ट लिंक ऊपर होता है, वो पूरा मतलब हायर अथॉरिटी से बात होती है कि हमारे बच्चों को ये चीज चाहिए और उसका रिजल्ट भी देना होगा ना। अगर मेरे पास जो बच्चे हैं वर्ल्ड जूनियर, मेरे पास जैसे मान लो जूनियर का स्टेप आएगा तो मैं ये चाहूंगा कि जूनियर के बच्चे फाइनल में जाएं, फिर मेडल लें, फिर वही स्टेप आगे सीनियर में जाए, सीनियर में जाते ही फिर वो ओलंपिक मेडल ले, और ये पॉसिबल है, पॉसिबल है, ये पॉसिबल। अब आपको ये देखो, हमारा जो शॉर्ट पुट का जो फिलहाल जो नंबर वन लड़का है वो डेकैथलॉन टेबल के ऊपर नंबर वन है, तो इस इवेंट के अंदर मेरा जो इवेंट था शॉर्ट पुट, इसमें तो हम मेडल के बड़े नजदीक हैं परफॉर्मेंस वाइज। जैसे नीरज का हमारा जो बहुत प्यारा बच्चा है उसका गोल्ड मेडल आ गया है, तो लोगों का रुझान है इस तरह के गेम में, ये इनमें रुझान है, इनमें हम परफॉर्मर हैं इस लेवल के, अच्छा, कि हम ओलंपिक में मेडल ले सकते हैं। बस ये है कि अब वो चीजें जो थी अब वो मिलनी शुरू हो गई, और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, भारत सरकार जो कर रही है, ये सच में बहुत अच्छा कर रही है। अच्छा, अगर आप एक बार जाके देखें ना तो आपको ये लगेगा कि यार मैं अमरीका तो नहीं आ गया, मैं भारत तो नहीं आ गया। जो मशीनें हैं, फिर आपके पास फिजियो भी है, मशहूर भी है, मतलब जिन चीजों की जरूरत है प्रोवाइड हो रही है, डाइटिशियन भी है, मतलब पांच छह लोगों की जो जरूरत होती है वो सारे के सारी चीजें अब आपको मिल रही हैं। पहले जैसे आपको इंजरी होगी, अब मैं शॉर्ट पुट में क्यों आया, स्पोर्ट्स इंजरी का तो अब अलग से ही, मेरे को इंजरी होगी लिम में होगी, जब मैं लॉन्ग जंप करते थे, हाई जंप, जब मेरी परफॉर्मेंस डिस्कस थ्रो में एशिया का मेडलिस्ट हो गया, उसके बाद में, उसके बाद लगी, उसके बाद मेरे लेफ्ट नी के अंदर इंजरी आ गई। हुआ क्या कि जैसे बारिश आ गई, बारिश आ गई, आपने बताया था वो उस पे लगा, बाद में नहीं, नहीं, वो तो स्टार्टिंग की स्टोरी, अच्छा उसके बाद लगी, ये तो 80 की स्टोरी बता रहा था, ये बता रहा हूँ मैं 90 की कहानी, अच्छा 91-92 की बात है। तो मेरे नी के अंदर जो है एक इंजरी हो गई, और इंजरी कैसी थी कि जैसे मान लो मैं थ्रो कर रहा हूँ, बारिश आ गई, कोच बोलता नहीं अब वेट ट्रेनिंग करेंगे, अब मैंने जो थ्रोइंग शूज पहन रखे थे वही पहने रखे, एक मेरे से पहले बंदा वेट ट्रेनिंग कर रहा है और मैं उन्हीं के साथ आके सीधा फुल स्कर्ट लगाना शुरू कर देता हूँ और मैं 250 किलो तक चला जाता हूँ। जब मैं लास्ट वाला मैं अपना एफर्ट लगा रहा हूँ उस टाइम पर, वो क्योंकि जूते स्लिपरी होते हैं, स्लिपरी होते हैं, अगर वार्म अप शूज पहने तो उसका ग्रिप होता है, और वो बंदा वार्म अप शूज से कर रहा था, जब वो वार्म अप अंदर से सेट लगा के बाहर जाए मिट्टी में घूमे और मिट्टी आ जाए, अब वो मिट्टी आ गई, अब मैंने 250 किलो की फुल स्कर्ट में लगा रहा हूँ, जब मैं बीच में आया तो मेरा पैर स्लिप कर गया ऐसे, तो या तो मैं उस वेट को पीछे फेंक देता, इंजरी नहीं होती। अब मेरा पैर का बैलेंस गलत हो गया और मैंने पूरा जोर लगा लिया और मैं ऊपर उठ गया, तो मेरा मेनिस्कस जो है वो रैप्चर हो गया। अच्छा, अब वो मेनिस्कस रैप्चर होने से फिर मेरे धीरे धीरे पेन शुरू हो गया, चढ़ना उतरना दिक्कत आने लगी। बाद में फिर उसका एक डॉक्टर राजगोपालन होते थे, उसने ऑपरेट किया, अब ऑपरेट किया, ऑपरेट करने के 2 महीने बाद में फिर मैं एशिया में फिर मेडल ले लिया, मैंने शॉर्ट पुट के अंदर ले लिया। डॉक्टर ने कहा कि आप डिस्कस नहीं फेंक सकते, क्योंकि शॉर्ट पुट को तो मैं फेंकता रहा उन्होंने नेशनल लेवल तक, तो मैं कुर्सी पर बैठ के प्रैक्टिस करता रहा, मुझे इसको हटा दिया, बाकी बॉडी सेट काम करती रहेगी। अब स्ट्रेंथ ज्यादा थी तो मैं 2 महीने की तैयारी के अंदर मैं शॉर्ट पुट में टर्न हो गया, एशिया मेडल आ गया, एशिया मेडल आने के बाद फिर मैं शॉर्ट पुटर हो गया, फिर शॉर्ट पुट की कहानी शुरू हो गई। अच्छा, ये अब तो आप जब NIS में चले जाओगे तो अपने जो हरियाणा के बहुत सारे खिलाड़ी वहाँ आते हैं, तो वो आपके उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहोगे, तो अब पूरे देश के लिए, तो मतलब हमारा मकसद तो ये ओलंपिक मेडल लेना है, मतलब वहाँ टारगेट भारत है, नहीं केरला का हो, चाहे वो भिवानी का हो, चाहे वो अमृतसर का हो, जो बेस्ट बच्चा है वो हमारा है, मतलब देश के रूप में सोचना है, सोचना है नहीं, जब आपको डेजिंग नेशन एक नेशनल का दिया गया है, नेशनल चीफ कोच है आप एक इंडिया के, इंडिया के आप चीफ कोच बना दिए, तो फिर इंडिया के बना दिए तो फिर आपके लिए तो सारे बेस्ट जो है वो आपके लिए बेस्ट है, बेस्ट है आपके लिए बेस्ट, और होना भी चाहिए क्योंकि अब तो चांस बनता है ना मेडल का। आप तो है ना बीच बीच में टाइम मिले तो बच्चों को गाइड किया करो आप कहीं कहीं कार्यक्रमों में जाके। मैंने जो है ये मेरी तो कई प्लाने थी, अब मैं जैसे यहाँ मेरा जो है नहीं हो गया, उससे पहले मैं सोचता था अपना जो एरिया है खासतौर पर मेरा जो लोहारू एरिया है, अब लोग क्या सोचते हैं, कई बार लोग ये सोचने लग जाते हैं यार ये क्यों आया, क्या इंटरेस्ट, वही चुनाव तो लड़ना है, मेरा इंटरेस्ट तो सिर्फ सीधा ये था कि भाई अपना टैलेंट बहुत ज्यादा है, अब जैसे स्कूलों में जाके कुछ मतलब ऐसे
अभी भी कोशिश करेंगे, कुछ खोजा जाए ऐसे बच्चे हैं। मैं तो मतलब इसमें रहूंगा कि भाई अभी, क्योंकि परमात्मा ने आपको वो चीजें दी हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की, जो अभी आपकी लाइफ की जैसे स्टोरी सुनी तो मुझे लगा कि आपको जिंदगी ने चलाया आगे, मतलब आपके कोई टारगेट नहीं रहे बड़े लाइफ के, कोई टारगेट नहीं, आप मिलते गए छोटे 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 करके फिर आप बड़े, मतलब मेरा अभी तक भी धर्मेंद्र भाई है कि मैं चलता गया अपने आप चीज कुदरती तौर पर। हाँ, एक चीज और, अब आप देखिए आप रिटायर हो रहे हैं, नेक्स्ट डे ज्वाइन कर रहे हैं, अगर मैं 60 साल का हो जाता एक दिन ऊपर हो जाता तो नहीं मिलती यार, तो जिंदगी चला रही है। मेरे दिल की इच्छा थी ना कि मैं यार कुछ करना चाहता हूँ, मतलब मेरा दिल करता है कि मेरे बच्चे मिले मैं उनको कुछ कराऊ, तो कुदरत ने ये एक महीने के बाद निकालते तो नहीं बनती बात, अभी इन्होंने निकाल दी तो बात बनी। हमने अप्लाई किया, हो गया, अप्लाई किया, मैं इंटरव्यू दिया और वो मतलब कहा पोस्टिंग चाहिए या यहाँ चाहिए, बोले यहाँ दे देते हैं, अब वो अपॉइंटमेंट लेटर शायद 2-4 दिन में वो दे देंगे। इसकी एक स्टोरी और बताऊँ धर्मेंद्र भाई, देखो बातें याद आ जाती हैं कई बार। मेरी दादी जो है वो 100 साल से ऊपर होके इस दुनिया से गई, मैं मेरी दादी के पैर दबाता था डेली और मुझे किसी ने नहीं कहा। मेरे फादर अपने फादर के पैर दबाते थे, मेरे फादर और 5 भाई, 3 बहन, 8 थे टोटल, मेरे फादर अपने बाप के पैर दबाते थे, वो कब्र के लाते थे, सब मैंने पढ़। अच्छा मैं मतलब छोटा ही लगा ले, मैं तो मेरी दादी के साथ ऐसे रहता था जैसे पोती रहती है। अब मेरी दादी गीत आया कर दी तो मैं मतलब वहां बैठ जाऊं, दादी कोई आ रहा है, मेरी दादी धीरे धीरे वहां जाती, वो बड़ा जाकरा सा रहा करता, उसमें सर्दियों की बात है तो मैं चाकू से 2-4 कतल काट के घी खा जाता था, फिर रख देता था, फिर मैं उसकी मदद करता था, लीकड़े तोड़े, चूल्हे में डालने, ये करना वो करना, फिर वो मैंने एक कटोरी में घी घाल के दे देती थी, मैं मेहनत करता था ना उसका फायदा, और मैं करता था वो जाकराले के लिए जो मतलब दानेदार सा घी होता था उसको खाने के लिए। तो कहने का है कि मेरी दादी के मैं पैर दबाता था रेगुलर, रात को शाम के टाइम खाना मैं ले जाके दादी खाना खा ले पैर दबाता। वो मेरे फादर के मेरी मदर के साथ भी मैं, हम जैसे 3 भाई 1 बहन है, सारे अच्छे हैं, लेकिन मैं अभी ये करता हूँ के पांव दबाते हो। मैं बापू के फिर माता के, मेरे को नींद नहीं आती जब तक मैं नहीं दबाता, मुझे किसी ने नहीं कहा। मेरे फादर बोलते थे यार दर्द नहीं करे, तू पिल में रह, सो जा, ऐसे ही बोल देते थे, मैं बापू मेरे को मजा आता है। मैं इस चीज के मेरे ध्यान में रहती थी कि यार मेरे से बापू बड़ा है, पहले जाएगा, जन्म तो इसे ने दिया है ना, जब इस आदमी ने मुझे जन्म दे दिया तो इससे ज्यादा यार कोई किसी और तो किसने क्या भाई, जन्म जिसने दे दिया उससे बड़ी चीज तो भगवान भी नहीं देता। थैंकफुल रहते थे आप? थैंकफुल नहीं, मैं मतलब मजा लेता था उस चीज के कि यार ये शरीर है, इस शरीर ने जन्म दिया है, सत्य सिंह इस शरीर ने जन्म दिया, नहीं तो तू कहां था। अब माँ के साथ भी ऐसे, मुको इस शरीर ने 9 महीने अपने पेट में रखा, मैं मेरी माँ का पैर ऐसे लगाता हूँ तो मेरी माँ कई बार सो जाए ना, है क्यों वगैरह, मुको माँ कुछ नहीं होया, मैं बता देता हूँ कई बार, मुको माँ 60 साल पहले कितना कष्ट होया था, मैं 3 दिन में पैदा हुआ, वो मेरा फर्ज बनता है ऐसे। अब मेरी माँ खाना एक टाइम खाती है, दोपहर सुबह फ्रूट, शाम को फ्रूट, चाय, धर तीसरे महीने मेडिकल चेकअप, मतलब क्या है ना सही सेवाबाज रही, सेवाबाज नहीं रही, मतलब धर्मेंद्र भाई ये चीज मैं वो मिल रहा है ना शक्ति जी जो आप कर रहे हैं। एक और अमेरिका जाता हूँ, शाम को रिलैक्स होता हूँ, मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ, मैं बीमार था, अमेरिका भी घुमा लिया क्या उनको? हाँ अमेरिका दोनों को। अच्छा, करीब करीब 3 महीने रहे। अच्छा हाँ, बड़े बड़ी फोटो में करीब, मैं आप आओगे जब मैं दिखाऊंगा तो मैं जाता हूँ जैसे अमेरिका, मेरा लड़का पापा एक्यूप्रेशर कर दूँ, पैर दबाता है, धर्मेंद्र भाई इतना आराम होता है, मैं कहूँ मेरे माँ बाप के वैसे इतना ही आराम होता होगा, काम कर ले मतलब बिजी है। कहाँ है अभी बेटा? वो है इसमें न्यूजर्सी, न्यूजर्सी जैसा आपने सोचा था वैसे ही चल रहा है वो, उससे अच्छा चल रहा है। और ये मतलब बच्चे जो आगे मिले हैं बहुत अच्छे मिले, बहुत अच्छे, ये तो सब मेरे देखे हुए हैं। नहीं नहीं, ये था मेरी जो बेटी है, मेरा जो दोता है वो अभी 12 साल का हो गया, तो 5'9" हाइट है उसकी, 11 नंबर के जूते आते हैं, बिग बॉय है, जो उससे छोटा है वो उससे भी ज्यादा बिग बॉय है, जेनेटिकली आ रहा है ना वो, तो 7 पीढ़ियां मदर्स की, 7 पीढ़ियां पिता की। नहीं, आगे चौसा वाला परिवार भी तगड़ा है, चौसा तो पहलवान थे, पहलवान थे। मेरा तो दामाद 6'3" का है, बेटी 5'7" की है, तो अच्छा ये भी पहलवान थे, इधर वाला परिवार भी, ये तो पहलवान था ही था। अच्छा वो फिर वो 15 किलो तो दूध लेते हैं, इतना 15 किलो 3 ग्राम लिया जाए, खाने पीने वाले मस्त मलम तगड़े, ये कुदरत का खेल है सारा, कुदरत करती है बंदे के, बंदा कोई कुछ कर ही नहीं सकता धर्मेंद्र। अब जैसे आज आपसे मिल रहे हैं, हम पहले मिले ही नहीं,
लेकिन मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है आपके साथ कि आप बहुत पहले से ही जानते हैं वैसे। यार मैं तो आपको फॉलो करता रहता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है आपकी जो शैली है पूछने की और लोगों से बात करने की। खैर वो तो पॉलिटिकल लोग हैं, वो थोड़ा से दूसरे ढंग से बात करते हैं जी, और हम तो वही करते हैं जो बीती है। मेरी तो खुशनसीबी ये है कि मैं मतलब इस पेशे में अब जैसे लोगों से मिलता हूँ, मतलब मेरा मेरा बचपन से ये इंटरेस्ट था, मैं वो आदमी हूँ जो यही बनना चाहता था बस। और मैं अपनी ज़िंदगी मुझे कभी लगा नहीं कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं खेल के जाता हूँ बस। मुझे इस काम में इतना मज़ा आता है, मैं इतना आनंद आता है कि मुझे लगता नहीं मैं कोई नौकरी कर रहा हूँ कभी भी। धर्मेंद्र भाई ये जो सेवा है ना, ये सेवा आज के युग में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये जो दुनिया को आप जो मैसेज देते हैं, अगर कोई इसको फॉलो करे, और करते हैं आजकल, करते हैं भाई साहब, बहुत शक्ति जी बहुत लोग फॉलो करते हैं। और मुझे व्यक्तिगत तौर पर जिंदगी की ऐसी ऐसी चीजें सीख, अब जैसे आप आपका 62 साल का अनुभव है ना, उसका निचोड़ मैंने ले लिया आज, तो अब ये मैं जब डिलीवर करूंगा ना सोसाइटी को बीच बीच में, तो उससे बहुत लोग सीखते हैं इन चीजों से ना। अब मान लो कोई स्पोर्ट्समैन इसको देख रहा है, तो उसको वो कई सारे सबक आज सीखेगा कि भाई दो चीजों पे ध्यान डाइवर्ट मत करो अपना, इंजरी से किस तरह बचो आप, और आप किस अपने माँ बाप के प्रति कैसी सोच होनी चाहिए। अगर सोच अच्छी नहीं है तो, हाँ, नहीं तो ये सारी चीजें आप, आपका 62 साल का है, इसमें ये जितने मिनट का भी 15-20 एक घंटे कितना बना है, 40-45 मिनट में सब कुछ आ गया आपका जिंदगी। अच्छा एक और बताता हूँ, इस चीज से हट की बात कर रहा हूँ। अब देखो हर आदमी के विचार होते हैं, जैसे आप जैसे बंदे, मैं सोच रहा हूँ मेरे विचार हैं ये, कुछ टाइम के बाद जब समय मिलता है कि भी ऐसे बंदे जिनकी सोच सोसाइटी के लिए बेस्ट है विदाउट एनी इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई, इंटरेस्ट सिर्फ ये है कि आप अच्छे मानव बने, तो ऐसे लोगों की एक टीम बन के और वो एक मैसेज डिलीवर करे, किसी के समझ में आए ना आए, उन बच्चों में जिनको जरूरत है विदाउट इंटरेस्ट, क्योंकि अगर इंटरेस्ट बीच में आ गया ना तो फिर तो दुनिया दूसरे लाइन पर जाती है। विदाउट इंटरेस्ट आप सच्चाई से, वो एक्सपीरियंस वाले लोग, अब जैसे मेरे कई अच्छे मित्र हैं, जैसे मान लो धनराज पिल्ले हो गया, महेश मुक्ति हो गया, वो हो गया, पीटी उषा होगी, और मतलब बहुत से आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन हो गए, जैसे नीरज बच्चा है अपना, ये हो गया। इन बच्चों का मैं सोचता हूँ कई बार ये जो पर्सनैलिटी है इनको एक इस ढंग से मतलब थोड़ा सा यूज कराया जाए सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के लिए, नहीं तो किसी आदमी के पास बहुत एक्सपीरियंस है, हम सोसाइटी को देना भूल गए हैं। अगर सोसाइटी को आप नहीं दोगे तो मर जाओगे। मैंने ऐसे आदमी जीवन में देखे हैं जो मेरे जीवन में अगर मुझे इतना गाइड कर देते हल्का सा, तो और ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होती, बहुत ज्यादा होती। लेकिन बोले ना, बोले इसने बता दी ना तो बोले गड़बड़ हो जाएगी, बोले ये तो उसने भी जाना है, मतलब नेगेटिविटी आगे अड़के, ऐसे तो वैद खत्म हो गए हमारे, हाँ। आगे दिया नहीं किसी को ज्ञान, नहीं वो मतलब उखाड़ देना धर्मेंद्र भाई, आगे बोले इस आदमी को अगर हम वहां लिया है ना तो बोले हम गए काम से, उनकी जो आदतें हैं वो निकम्मी आदतें हैं। तो ऐसे लोग कम है वैसे, अच्छे लोग बहुत हैं सोसाइटी में, आपको बढ़िया डॉक्टर मिल जाएंगे, बढ़िया एजुकेशन के मिल जाएंगे, बढ़िया स्पोर्ट्स के, समाज के, यार कई कई तो ऐसे आदमी है जो बहुत डोनेट करते हैं। मेरा बेटा बता रहा था एक बार, कॉर्नल के अंदर एक बोर्ड लगा हुआ है, ये रघुराम राजन था शायद, या ये अपना ये वाला कोई मतलब बड़ी पर्सनैलिटी है, उसने वहां पर $50,00,000 डोनेट करे अपनी यूनिवर्सिटी को, उस यूनिवर्सिटी से पढ़ाया वो और इंडियन है, इंडियन है, अपनी यूनिवर्सिटी को दिया है, अपनी यूनिवर्सिटी को। देखिए जब भी कोई बच्चा बाहर जाता है और वो स्कॉलरशिप लेता है, वो स्कॉलरशिप कोई तो दे रहा है सर, तो अपने अगर इंडिया में ये चीज हो जाए, मैं अक्सर अपने वीडियो में कहता हूँ कि हम ये पूछते हैं कि सोसाइटी ने हमें क्या दिया, हम कभी ये सवाल नहीं करते कि हम सोसाइटी को क्या दे रहे हैं। आप फाइनेंस वाले नहीं भी दो, लालची हो, हाँ। आपका जो वैसे एक्सपीरियंस, आप 10 पेड़ लगा दो, आप अपना एक्सपीरियंस डिलीवर कर दो, आप कुछ भी कर दो, लेकिन दो बदले में। पेड़ वाली बात आई, अब जैसे मैं पटियाला में रहता हूँ, मेरे फादर ने 3-4 फ्रूट्स के पेड़ लाए, नीम के लाए हैं, दिखाऊंगा मैं। अब उनको कौन से फल खाने थे? ना ना वो शौक था, बोले अरे मतलब बोले ये जो वहां पर 5-6 आम के पेड़ है नीम के, बोले वो फल भी देते हैं, किसी ने किसी ने तो लाए होंगे जिसके हम खा रहे हैं। अरे हमारे घर ना आप जाओगे कभी तो देखना सरसों के 5-4 पेड़ ला रखे हैं, जो बड़े बड़े भैंस डांगे नीचे बैठे। तो ये सोच होती है नहर में, ये सोसाइटी को दिया जाता है, दिया जाता है। चलो दोस्तों, ये थे शक्ति सिंह रांगी जी, और इनका डिगावा गाँव है, अभी ये पटियाला में साई में चीफ कोच है, और बहुत अलग और दिलचस्प कहानी थी। भारत के पहले ऐसे ओलंपियन हैं जो दो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट जिन्होंने किया है,
और आप कोई सवाल मेरा रह गया हो, काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत थी, दो तीन हिस्सों में देनी पड़ेगी, और कोई सवाल अगर रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रांगी जी से कहूँगा कि वो पढ़ के आपको उनका जवाब भी दे। शुक्रिया जी आपने इसमें। थैंक यू धर्मेंद्र भाई, थैंक यू।